Analytic function. A complex function f z is said to be analytic at a point z naught if it is differentiable in some neighborhood of z naught. इसका मतलब ये कि अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया u v और यहां पर कोई पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया z नॉट, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि वो फंक्शन f z, कोई भी फंक्शन f z, उस z नॉट पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब मुझे कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाए z नॉट का, आसपास का कोई भी नेबरहुड मिल जाए मुझे उसका जिस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो मैं क्या कहूंगी कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है. मींस जिसे मान लिया कि मुझे चीनी की जरूरत है, मेरे राइट हैंड साइड रहने वाले लोग बहुत बेकार है, वो मुझे नहीं देंगे चीनी, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे चीनी दे दी, इट मींस मेरा काम तो हो गया ना. तो इट्स का मतलब ये कि उसी तरह से ये पॉइंट z नॉट के लिए कोई ना कोई नेबरहुड अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, एक एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा. और किस पॉइंट पर कहलाएगा, वो पॉइंट होगा उसका z नॉट. इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन f z इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z नॉट इफ देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच f z एग्जिस्ट. बात वही है कि मुझे कोई ना कोई अगर ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके चलते जो हमारा फंक्शन है वो क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ उस नेबरहुड के अंदर. इसका मतलब क्या कि एफ सेट एग्जिस्ट करने का मतलब वही है कि उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर गया इस नेबरहुड में, तो मैं उस फंक्शन को क्या कहूंगी, एनालिटिक फंक्शन कहूंगी. आई होप अब आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या है. अब हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में. इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट एक्सेप्ट एट जेड नॉट इटसेल्फ, देन द पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ सेट. जैसे कि अब देखिए, इसे समझने के लिए अभी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है. अब मान लिया कि मेरे आसपास के इलाके में सब के सब कोरोना नेगेटिव है, बस एक ऐसा सिर्फ एक ही बंदा है जिसको कोरोना पॉजिटिव है, तो वो बेचारा आइसोलेशन में जाएगा ना, उसे आइसोलेटेड कर दिया जाएगा. तो बस वो पॉइंट, वो बेचारा पॉइंट जेड नॉट है, सिर्फ उस पॉइंट जेड नॉट को छोड़कर बाकी सारे नेबरहुड में वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक अगर हो जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड कहलाएगा. अब हम बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की. रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या है? अ फंक्शन इज सेट टू हैव अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट अ पॉइंट जेड नॉट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट बट कैन बी मेड एनालिटिक बाय मेयरली असाइनिंग अ सुटेबल वैल्यू टू द फंक्शन एट द पॉइंट. मतलब एक फंक्शन को मैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब कहूंगी जेड नॉट पॉइंट पे, अगर तो वो क्या हो, जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है लेकिन उसे बनाया जा सकता है. और वो कैसे बनाया जा सकता है कि मैं सिंपली क्या असाइन कर दूं उसे, उस पॉइंट पे फंक्शन की कोई एक सुटेबल वैल्यू असाइन कर दूं, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा. तो उस फंक्शन को क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए इसलिए क्या कहलाया, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहलाया. इसे अगर मैं एक एग्जांपल की तरह समझूं, तो अगर मैंने कोई फंक्शन कंसीडर किया एफ जेड वन अपॉन में जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, वो एनालिटिक है सभी पॉइंट्स पे एक्सेप्ट माइनस वन और वन, क्योंकि अगर मैंने यहाँ माइनस वन पुट कर दिया तो यहाँ ये वाली टर्म इसे वन अपॉन जीरो बना देगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, और वन पुट किया तो ये टर्म इसे वन बाय जीरो बना देगी जो कि फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो इन पॉइंट्स को छोड़कर, वन और माइनस वन को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पे मैं देखूं, तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो क्या है,
एनालिटिक फंक्शन है। तो क्योंकि ये बेचारे पॉइंट्स अकेले रह गए, इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स कहेंगे। अब हम एंटायर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ द एंटायर फाइनाइट प्लेन देन एफ जेड इज कॉल्ड एन एंटायर फंक्शन। मतलब क्या कि अगर एफ जेड एक फाइनाइट प्लेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, एंटायर फंक्शन कहलाएगा। और जो पॉइंट बेचारा रह गया, नहीं कर पाया, एनालिटिक नहीं हो पाया उस पॉइंट पे वो फंक्शन, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन।